विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रजो खजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज बता। त्रेता युग के भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जिनके आराध्य की नगरी अयोध्या में एक नया युग नया अध्याय शुरू हुआ है। प्रभु श्री राम के दास पवन पुत्र हनुमान जिनके आराध्य की नगरी अयोध्या का नया सवेरा नया अवतार हुआ है। जिस धाम में 500 वर्षों बाद रौनक लौटी है, जिस धाम में 500 वर्षों बाद हर्षोल्लास लौटा है, जिस धाम में 500 वर्षों बाद रामराज लौटा है, लेकिन क्या कलयुग में भी इस धाम की सुरक्षा स्वयं पवन पुत्र हनुमान करते आ रहे हैं? लेकिन क्या पुराणों में जिस अंजनी पुत्र हनुमान को चिरंजीवी बताया गया है वो आज भी इस धाम में विचरते हैं? त्रेता युग में पग पग पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संकट मोचक बने भगवान हनुमान कलयुग में भी अयोध्या धाम में वानर रूप में विचरते हैं क्या? अगर नहीं तो आखिर अयोध्या में दिखे तीन चमत्कारों के पीछे राज क्या है? वर्ष 1998 में जब महावीर हनुमान के धाम हनुमानगढ़ी में बाबर के चेलों ने आरडीएक्स रखकर धमाका करने की साजिश रची थी तो उस दिन विस्फोट से महज चंद सेकंड पहले बम को डिफ्यूज कर देने वाला वानर आखिर कौन था? वर्ष 2005 में जब 5 आतंकियों ने अयोध्या पर धावा बोला था, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, हथगोले फेंके तो उन्हीं हथगोलों से आतंकियों को मार गिराने वाला वानर आखिर कौन था? या फिर वर्ष 1996 में जब अयोध्या में रामलला के दरबार का ताला खुला था और ताला खुलने से पहले फैजाबाद कोर्ट का फैसला आने वाला था, तब कोर्ट में फहराए जा रहे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को दिन भर थामे रखने वाला वानर आखिर कौन था? वानर राज के इन्हीं चमत्कारों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, जहां भगवान राम के दरबार का अतीत वैभव लौट आया है, सनातन की भक्ति का पर्व लौट आया है। उसी सनातन धाम में न्यूज नेशन संवाददाता ने प्रभु श्री राम के नाम का टीका लगा और नंगे पांव वानर राज के रहस्य की पड़ताल पर निकल पड़े। संकट कटे मिटे हर पीड़ा, जय सुमरे हनुमत बलबीरा। सदियों से हनुमान चालीसा की ये पंक्ति गढ़ी जाती है, कही जाती है, लेकिन आज हम आपको बजरंग बली के उस अवतार के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप सुनकर चकित हो जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है रहस्य में। मैं हूँ राहुल डबास और ये है अयोध्या धाम, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे हनुमान गढ़ी को बचाने वाले, आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने वाले तमाम वानरों के बारे में, बंदरों के बारे में, और इस वानर राज को, इस बंदर राज को सुन करके आप भी चकित हो जाएंगे कि वाकई क्या रहस्य है बंदर राज में और कैसे आतंकवादियों के छक्के छुड़ाकर हनुमान गढ़ी की भगवान स्वरूप बजरंग बली ने रक्षा करके दिखाई। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार पर बना पवन पुत्र हनुमान का भव्य मंदिर हनुमानगढ़ी, जहां अपने भक्तों की रक्षा के लिए
कोतवाल की भांति साक्षात विराजमान हैं अंजनी पुत्र हनुमान। मान्यता है कि यह परम शक्ति का वो गढ़ है जहां त्रेता युग के बाहुबली की उपस्थिति का आभास होता है। कण कण से कोतवाल के उपस्थित होने का विश्वास झलकता है और जिनके दर्शन के लिए हनुमान गढ़ी में वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है, जिस ईश्वर में आज की पीढ़ी को भी अपना सुपर हीरो नजर आता है। पूरा परिवार है जो अयोध्या के ही रहने वाले हैं। जब बंदरों ने डेटोनेटर को निकाल करके हनुमान गढ़ी को आतंकवादियों से बचा दिया था, ऐसा लगता है कि वाकई ईश्वर के स्वरूप में हनुमान जी विराजमान होंगे। जी हाँ, हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं और हम लोगों की आस्था है, हम लोग बराबर यहाँ आते रहते हैं। हनुमान जी खुद इस प्रांतपाल के तौर पर आतंकवादियों ने बंदरों के आगे हनुमान जी के आगे घुटने टेक दिए, सब यहाँ से अयोध्या से बाहर भगा दिए गए आतंकवादी, और हमारे जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवान श्री हनुमान जी ने सबको धराशाही कर दिया। आज इतना बढ़िया आनंद आ रहा है हनुमान गढ़ी पे जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। विश्वास अटूट हो जाता है हनुमान जी उनकी रक्षा का। और हनुमान जी तो कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज है। भगवान राम ने अपने पुत्रों को राज नहीं दिया यहाँ का, यहाँ का राज दिया हनुमान जी महाराज है, तो यहाँ हनुमान जी महाराज का चलता है। बहुत ज़्यादा ही विश्वास है, हर मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। लगता है जिसके साथ बजरंग बली हूँ उसका कोई बाल भी बाका नहीं। कोई नहीं बाल बाका सकता जी, बहुत अच्छा लगता है हनुमान जी, कोई नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा लगता है, जो भी दिल से मन्नत मान देते हैं वह जरूर पूरी होती है, बहुत जी हमेशा जी। सुपर हीरो हैं हम लोग, के सुपर हीरो हैं हनुमान जी। कहते हैं वर्ष 1998 में इसी हनुमान गढ़ी में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर अयोध्या ही नहीं पूरा देश पवन पुत्र हनुमान का जय जयकार करने लगा था। यहाँ अयोध्या धाम है जहाँ कण कण पे प्रभु राम है और राम के सेवक हैं हनुमान, और हनुमान पर अटूट विश्वास इन सबका है। उनका कहना है कि हमारे लिए तो सुपर हीरो सिर्फ एक ही है और वो है बजरंग बली। जब तक बजरंग बली का साथ है तब तक आतंकवाद हो या आतताई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो राक्षसों का संहार कर सकते हैं उनके सामने दहशतगर्दों की क्या बिसात। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम।